जिनकी शादी हो गई वो हाथ उठा के ताली ना बजाए उनको उनकी कसम, फिर भी आप ना बताए पड़ोसी की कसम, हाथ तब तो बिल्कुल सूटे कर लो। कस्तूरी दिल कम ललाट पटले वाचा सर कौस्तु हम दासा ग्रेवर भक्त कम कर दले वेड़म करे कंकड़म सर्वाग्रे हरि चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपाल बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, ओ छोटू बैठाइए। I'm gonna make it.
Thank you.
लोग कहते हैं जिसके भाग्य में था तो इसे प्राप्त हुआ। किसी ने कहा ये भाग्य है क्या, प्रारब्ध है क्या, हम तो थक गए सुनते हैं। प्यारे आपके नियत के ऊपर लोग कहते हैं जैसी नियत वैसी, और देखो आज तक कोई अपराध करके सुखी नहीं हुआ है। 10 साल बहुत होता है, क्योंकि लिखते हैं कि पाप किए तीनों गए, धन धर्म और वंश तीनों जाता है। धन भी जाता है पाप करने से, धन का नाश तो होता ही है, आपका धर्म भी बिगड़ जाता है और बच्चे भी मूर्ख हो जाते हैं, जड़ पैदा हो जाएंगे, मूर्ख हो जाएंगे, नालायक हो जाएंगे। आप किसके लिए पैसा जोड़ रहे हो? इसलिए पाप किए तीनों गए, धन धर्म और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इनसे बड़ा इस दुनिया में कोई पापी हो ही नहीं सकता, इनका कुछ भी नहीं रहा। और उसी कंस के प्राकट्य होगा जिसे कृष्ण जन्म भी कहते हैं। और प्यारे मनु महाराज के प्रथम संतान की कथा श्रवण किया। अब इधर सुखदेव जी महाराज पावन पुनीत कथा को आगे बढ़ाते हैं। परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव आप बता रहे थे मनु महाराज की 5 संतान को 4 की कथा आपने श्रवण करा दी। उन्होंने कहा जो दूसरे बालक हैं, दूसरे संतान है, उनका नाम है राजा प्रियव्रत। ये प्रियव्रत कौन है? जिनको भगवान का गुणगान प्रिय हो, धर्म कर्म निष्ठ। यह इन्होंने देखा कि सूर्य नारायण दिन में उदय होते हैं तो सारे लोग भक्ति करते हैं, अपना कार्य करते हैं, रात को जाके सुमेरु पर्वत से जा करके छिप जाते हैं तो कार्य करने में परेशानी होती है। आए तो 7 दीप बन गए, 7 सागर बन गए, पृथ्वी ऊंची नीची पहाड़ हो गए दब करके, और मानो अंत में समझाया गया कि ये एक सृष्टि का अपना नियम है, उसके विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज राजा प्रियव्रत मान गए हैं और उन्होंने 5वें स्कंद में खगोल का वर्णन किया, 7 पातालों का वर्णन हुआ, जैसे 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, और इसको मिला करके 14 भुवन होता है। इधर परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि गुरुदेव भगवान की जो कथा है हमारे देश से 6 ऋतु होते हैं, हर 2 महीना में ऋतु का परिवर्तन होता है, जैसे बसंत ऋतु इस समय चल रहा है, 2 ऐन होते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन, जैसे इस समय सूर्य उत्तरायण 6 महीना 6 महीना दक्षिणायन करते हैं, और भैया 27 नक्षत्र बताए गए। चलिए चलिए, 1 नक्षत्र के 4 चरण हुए और 12 राशियां हुई मेष से लेकर के मीन तक, और ग्रह बने 9,
एक राशि के चार चरण होते हैं, 27 को चार में गुणा करोगे तो 108 बनेगा। और एक नक्षत्र के चार चरण एक राशि के 9 चरण होते हैं। तो 12 राशियां हैं और 9 चरण हैं, 12 को 9 में गुणा करोगे तो 108 बनेगा। इसी से हमारे गले की माला काउंटिंग के लिए बना दी गई 108 दाना की। नरकों में पाताल लोक में तो नाग मणियों से प्रकाश होता है, ऊपर के लोक में सूर्य चंद्रमा से प्रकाश होता है और मनुष्य के जीवन पे ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रह मनुष्य को चाहे तो ऊपर उठा दे, ग्रह चाहे तो मिट्टी में मिला दे। इसलिए ग्रहों की पूजा समयानुसार करना चाहिए। ग्रह किसी को छोड़ते नहीं है, यहां तक कि भगवान शंकर को नहीं छोड़े। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, सूर्य तेज देता है, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, आदमी राज्य अधिकारी बन जाता है। चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा मन का मालिक होता है। मंगल की पूजा दान कराते हैं, शनि की पूजा करनी चाहिए, हाथ पैरों के दर्द समाप्त होते हैं। राहु केतु बात पित्त कफ नाना प्रकार की बीमारियां हैं। ग्रह कितने भी खराब हो सब अपने रिश्तों से रिलेटेड हैं, इसलिए ग्रहों का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बार की बात है कि यमराज और शनि देव और लक्ष्मी मैया में आपस में विवाद हुआ। लक्ष्मी मैया कहने लगी कि मैं बड़ी और शनि देव कहने लगे कि मैं बड़ा। अब इन दोनों में विवाद होने लगा, चलो चलते हैं त्रिदेवों के पास, वही निर्णय करेंगे। ब्रह्मा जी के पास गए, शनि पहले ही जाकर के धमका दिया, देख लो भैया या साढ़े साथी मेरी प्रारंभ होती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे क्यों धमका रहा है, मैं निर्णय सुनाऊंगा। फिर मन में आया कि भैया पाप ग्रह है, भैया जो लोग छोटे होते हैं और पाप ग्रह होते हैं उनकी बुद्धि का पता नहीं लगता है, कब उनका मन बदल जाए। उन्होंने मना कर दिया, भगवान विष्णु ने भी मना कर दिया, शंकर भगवान ने कहा कि हाँ मैं फैसला सुना दूंगा। शनि देव ने कहने लगे कि देख लेना महाराज, शनि मेरी भैया या साड़ी साथी चलती है। भगवान शंकर ने कहा मुझे धमका रहा है तू, आज नहीं फैसला सुनाऊंगा, कल सुनाऊंगा। और दोनों लोग अपने अपने स्थान को चले गए। जैसे दूसरा सूर्योदय हुआ, दूसरा दिन आया, शनि और लक्ष्मी भैया कैलाश की तरफ चल दिए। भगवान शंकर ने सोचा कि भैया हो सकता है कि इसका मूड बिगड़ जाए शनि का और उल्टा सीधा कर दे, इसलिए इस चक्कर में पड़ने से फायदा क्या है, फैसला सुनाओ ही मत, स्थान छोड़ के चले जाओ। और शंकर जी जंगल में चले गए, जा करके हाथी बन गए। जब समय सीमा समाप्त हुआ, शंकर भगवान आए, शनि देव कहने लगे कि महाराज आप बुला करके स्वयं गायब हो गए, फैसला सुनाना चाहिए था। भगवान शंकर कहने लगे कि तू तो मुझे कल धमका रहा था कि ढैया या साढ़े साथी चलती है मेरी, मैंने फैसला नहीं सुनाया, तूने क्या बिगाड़ लिया। तो शनि छूटते ही कहने लगा कि अभी तो ढैया का प्रकोप था, इसलिए हाथी बने थे जंगल में जाकर। भगवान शंकर ने सोचा कि इसे कैसे पता कि मैं हाथी बन गया। भगवान शंकर ने सोचा कि भैया मैं नहीं फैसला करने वाला हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब भैया फैसला कौन करे, त्रिदेव भी नतमस्तक हो गए। तब तक सामने से मिल गए नारद जी, नारायण 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 नारायण। अरे देखो तो सुन, लक्ष्मी और शनि देव का संयोग वो भी साथ में, कहां से आगमन हो रहा है आप दोनों का। नारद जी हम त्रिलोक में गए, त्रिदेवों के पास गए, सबके पास गए, लेकिन हमारा फैसला कोई सुनाने वाला है ही नहीं, कोई न्यायाधीश नहीं है, आखिर हुआ क्या, ऐसी ऐसी बात है। तो मानो नारद जी ने कहा इसका फैसला तो मैं कर दूंगा। बोले तो इससे अच्छी बात ही नहीं नारद जी, लेकिन सोच लेना, शनिदेव ने कहा मैं तो वक्र हूं,
वैसे भी ढैया या साढ़े सात ही चलती है। उन्होंने कहा गलत करूंगा तब तो ढैया साढ़े सात ही चलेगी, अगर अच्छा फैसला करूंगा तो। बोले तो कोई दिक्कत नहीं। और आज मानो नारद जी ने कह दिया दोनों बहुत अच्छे हो, अपने अपने स्थान पे अच्छे हो। लक्ष्मी जब आती है तो अत्यंत मनमोहक होती है, प्रिय लगती है, मन को भाती है, आत्मा को प्रसन्न कर देती है, ये भी बड़ी है आते समय। और तुम जब जाते हो तो तुम भी मन को प्रसन्न कर देते हो, मन को भाते हो। फर्क इतना ही है इनके आने में और तुम्हारे जाने में। सनी देव खुश हो गए, वाह नारद जी नंबर वन का फैसला आपने कर दिया, दोनों अच्छे हैं। बिल्कुल दोनों अच्छे हैं। अब आगे बढ़े, सनी देव के भाई हैं यमराज सूर्यपुत्र। अरे भैया नारद जी के जैसा कोई फैसला सुनाने वाला नहीं है, क्या हुआ? नारद जी वो भी फैसला अच्छा कर दिए। हाँ हाँ सुनो तो सही, बताओ। ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने ऐसी ऐसी फैसला सुना दी। तुरंत यमराज ने कहा कि अरे तुझे ही तो नीचा दिखा दिया। शनिदेव ने कहा वो कैसे? तो जब बुरे व्यक्ति जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ और वो शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। बहुत सताता था, बड़ा परेशान करता था, और अच्छे लोग जब आते हैं तब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसीदास जी पुष्टि करते हैं, मिलत एक दारुण दुख दिन्हा, बिछड़त एक प्राण हरिन्हा। सज्जन जाता है तो रुलाता है, और दुर्जन जब आता है तभी से रुलाना शुरू कर देता है। कह दो जय श्री कृष्ण। अब तो क्रोध चढ़ा शनिदेव को, अरे नारद जी ये मजाल, और तुरंत भागे वहां से। नारद जी क्या हुआ शनिदेव, क्या बात? मूड ठीक नहीं है, तूने मुझे बुरा बना दिया, नीचा दिखा दिया। वो कैसे? अतः तुमने मुझे कह दिया जाते समय, तो मेरे भाई ने मुझे ज्ञान दे दिया, अन्यथा मैं तो खुश था। लेकिन जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम्हारे ऊपर मेरी साढ़े साथी बनी रहे। और नारद जी ने कहा कि भैया वो तो मेरे ऊपर पहले से साढ़े साथी चल रही है, ढाई घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकता, ये साढ़े साथी ही तो है। जैसे ढाई घड़ी होता है नारायण नारायण, मेरा तो समय पूरा हुआ, मैं चल दिया। इसलिए ग्रहों का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है। हे राजा परिचित, ग्रहों को मनाना चाहिए। और आज नरकों का वर्णन सुना दिए। हे राजा परीक्षित, नरक अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य को मिलता है। तामिश्र अंध तामिश्र, रौरव महारौरव, असिपत्र सूकर मुख, कृमि भोजन ब्रज कंटक, पुयोद प्राण रोधक, ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन करने लगे। जैसे जो कर्म करते हैं उसको ऐसे ही नरकों में भेजा जाता है। जो पराया धन खाते हैं उन्हें उनकी आंखें निकाल ली जाती है। तामिश्र में महारौरव में केवल अपने शरीर का जो लोग पोषण करते हैं, दूसरे का ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें भैया इस नरक में ले जाकर के कीड़े मकोड़े से उन्हें कटवाया जाता है। काल सूत्रक पिता ब्राह्मण और देवताओं से जो द्रोह करता है, पिता का सम्मान नहीं करता है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करता है, उसे भैया इस नरक में गिराया जाता है। और गोले जैसे बना करके आग से इसे तपाया जाता है। असिपत्र नरक के वेद के मार्ग पे जो लोग नहीं चलते हैं, मनमाना कार्य करते हैं, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। उन्हें जो लोग पाखंडी बन के उन्हें ले जाकर के आरे से काटते हैं और वो चिल्लाता है मुझे बचाओ बचाओ। सुकरमुख बिना अपराध के दंड देने वाले व्यक्ति को कोल्हू में ले जाकर के ला जाता है। अंधकूप किसी की जीविका नष्ट करने वाले को
कीड़े मकोड़े बना करके मारा जाता है महाराज। अब जब ऐसे ऐसे किसी को बिना खिलाए भोजन करते हो उसमें भी बहुत बड़ा दोष लगता है। यज्ञ हवन जो लोग नहीं करते हैं वो लोग महाराज बहुत बड़ा कीड़ा बन करके नरक में जाते हैं और कीड़े ही उनको खाते हैं। कहो राधे राधे। ऐसे ऐसे नरकों का वर्ण सुन करके वर्णन सुन करके जाने अनजाने में हो गया वो हो गया। और मानो कि आपने प्रायश्चित तो कर लिया लेकिन पुनः फिर करना प्रारंभ कर दिए तो उसके लिए क्षमा नाम का शब्द नहीं है। और आज सुंदर सा दृष्टांत सुना दिए अजामी। कान को जद जे कशीत दासिर पतिर। संबंध बना लिया और इतना ही नहीं सारा धन संपत्ति सब कुछ लुटा दिया। गांव के लोगों ने उसे त्याग दिया। निकृष्ट ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कार्य है वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। लेकिन इसने बहुत बड़ा कुकर्म किया और आज उसी दासी को ला करके अपने घर में रख लिया। उससे मानो दो तीन बच्चे हुए। अंत तो गत्वा उसके घर का कोई पानी नहीं पीता है, भोजन भी नहीं करता है। संयोग से कुछ संत आए, रात्रि हो गई। उन लोगों ने पूछा कि किसी ब्राह्मण का घर है यहाँ? हाँ, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, उसका घर है। आज हमें रुकने का थोड़ा स्थान मिल जाए। और आज किसी भक्त ने उसके घर को आश्चर्य से डूब गई, अरे मेरे यहाँ तो कोई आता भी नहीं है और ये महान संत आ गए। वैश्या का हृदय प्रसन्नता से भर गया। सोचने लगी कि मेरे यहाँ संत पधारे हैं, इसका मतलब कि मेरे कष्टों का अंत होने वाला है। मेरा भरोसने लगी। तभी बाहर से अजामिल आ गया। संतों को देखकर वैश्या से बुरा भला कहने लगा। वैश्या ने अजामिल की विनती करके शांत करा दिया। संतों ने दोनों के वार्तालाप से मर्म को जान लिया। सोचने लगे इसका भोजन हमने कर लिया है इसलिए इसका कल्याण तो करना ही पड़ेगा। आपस में लोग की बनती नहीं है। संतों ने कुछ वार्तालाप किया, उससे उस अजामिल की बुद्धि ठीक हो गई। और भैया अजामिल मानो आज संतों का चरण पकड़ लिया कर कल्याणकारी उपाय पूछा महाराज। तब संतों ने उसे कहा कि तेरी पत्नी गर्भवती है, जब प्रसव होने पर तू बालक का जन्म हो तो उसका नाम नारायण रख देना और इसी नाम से जब तू बार बार लेगा, इस नाम को बार बार पुकारेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या कीझ, भूमि पड़े पर जामी है उल्टे सीधो बीज। भगवान का नाम कैसे भी लोगे प्यारे तो कल्याण करने वाला है। और लिखते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। इसलिए कुछ भी ना किए अंत में भगवान का नाम लिए तो सब कुछ। मानो बहुत बड़ा रुई का ढेर हो लेकिन एक माचिस की तीली उसमें डाल दी जाए तो सब जल करके भस्म हो जाता है। ऐसे भैया अब तो अंतिम समय आ गया। तो जब अंतिम समय आता है तो यमराज उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं जो मरने वाला होता है और किसी को दिखाई नहीं देते हैं। भैंसे पे सवार काले कलूठे, 32 भुजाएं और नाना प्रकार के दांत कटकटाते हैं। यह देख करके वो डर गया और उस समय चिल्लाने लगा, नारायण नारायण नारायण। अपने बेटे को बुलाया, मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन नारायण तो आया नहीं, लेकिन उस नारायण के पार्षद आ गए और आज यमदूतों को भगा दिया। यमदूतों ने कहा जीवन भर इसने पाप किया है, बोले कुछ भी नहीं, अंत समय में हरि के नाम लेते हैं पूजा करते हैं लेकिन अंदर खाले दैत्यों के लिए भी कुछ आहुति डाल देते हैं अग्नि में।
क्योंकि ये दैत्यों के भी गुरु थे, राक्षसों के। जैसे इंद्र को पता लगा, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और विश्वरूप की हत्या हो गई। तीन सिर थे, तीनों सिर कट गए, तीन पक्षी उत्पन्न हो गए, गौरैया, पपीहा और हरी शरणम। अब जब दृष्टा को पता लगा कि हमें इंद्र बना, उसे प्रतासुर मारा गया, अंत में भगवान का प्रार्थना किया, मैं तो आपका दर्शन करना चाहता था। यह देख करके दृष्टा रुष्ट हो गए। अब दो बार उन्होंने ब्राह्मणों का वध किया। इंद्र ने उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या को काट दिया, चार भागों में बांट दिया, पहला पृथ्वी को, दूसरा जल को, तीसरा वृक्ष को और चौथा माताओं को दे दिया। वृक्ष को दिया, पृथ्वी को दिया तो आशीर्वाद दिया कि जितने लोग गड्ढा खोदेंगे अपने आप को उर्वरा हो जाएगी, भर जाएगी। और वृक्ष को दिया, वृक्ष को वरदान दिया कि जितना वृक्ष लोग काटेंगे वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाएगा। तीसरा कुआं को दे दिया, जल को, जितना जल लोग अपने निकालेंगे कुआं अपने आप भर जाएगा। और चौथा दे दिया माताओं को, ऋतुमती होती है महीने में एक बार, जिसे रजस्वला कहा जाता है। जो माताएं रजस्वला ग्रहण नहीं करेंगी वो संतान जन्म नहीं देंगी। तीन दिन तक अशुद्ध होती है माताएं, चौथा दिन बाद धो करके शुद्ध हो रक्षित। इसलिए मनुष्य के मन में जब चाह बनती है तो न जाने क्या क्या चाह कराने लगती है। चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह पैसों से आने मनाने लगी, चाह आनों से क्या क्या कराने लगी, चाह न जाने क्या क्या दिखाने लगी। चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रंगीले हुए, चाह दिल में लगी दिल जरा हो गया, अच्छा हरी से लगी तो मन हरा हो गया। इसलिए सारे चाह छोड़ करके हरी से चाह लगाओ। और आज इस नारायण कवच का जो पाठ करता है वो, उसके यहाँ कोई भी मुकदमा कैसा भी चलता हो उसकी उसमें विजय की प्राप्ति होती है। ये नारायण कवच ऐसा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। इधर भगवान सुदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ थोड़े थोड़े आगे बढ़ जाओ, पीछे वाले भी बैठ जाएंगे आप ही में। और इधर काचल पर्वत पे तप करने चला गया, इतना कठोर तप किया कि उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं। लेकिन तप करते करते जब स्थिति बिगड़ने लगी, सारे देव तो उसके शरीर पे दीमक चढ़ गए, संसार में उत्पात होने लगा, समुद्र खोलने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, अग्नि उसके कपालों में निकल करके ऊपर नीचे लोगों को जलाने लगी, तारा छिन्न भिन्न हो गए। उस भयंकर तप को देख करके ब्रह्मा जी आके कहने लगे कि हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, नान्तर वहिर दिवानतः मन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् नानरेर मृगोरपि। ये अगर आप देना चाहते हो तो ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना जमीन पे मरूं ना आसमान में मरूं, ना किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना किसी जानवर से, महाराज ना जमीन पे ना आसमान पे, और 12 महीना में किसी महीना में मृत्यु मेरी ना हो। उन्होंने कहा तथास्तु। ऐसा वरदान पा करके बहुत उत्पात करने लगा। जहां जहां देखो, आश्रम देखो, ब्राह्मणों को देखो, सब जला दो, गाय को मार दो, नाना प्रकार के अनिष्ट करने लगा। इंद्र को भी भगा दिया इंद्रासन से और हर जगह कब्जा कर लिया। जिस समय तप करने गया था उसी समय देवराज इंद्र, इसकी प्रहलाद का जब जन्म हुआ तो बड़ा आनंद हुआ।
हुआ और प्रहलाद को आज मानो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि छोड़ देते हैं और आज प्रहलाद जी भगवान के नाम का भक्ति करने लगे। सर्वणम कृतनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति है नौ प्रकार की। श्रवण करना, सुनने को श्रवण भक्ति कहते हैं। श्रवण भक्ति परीक्षित ने किया कथा सात दिन तक श्रवण किया। कीर्तनम और अर्जुन ने और आत्मनिवेदनम भगवान को आत्मनिवेदन किसने किया? राजा बलि ने, जिसकी कथा आने वाली है, और जटायु ने। और आज ऐसी भक्ति देख करके, प्रहलाद की भक्ति देख करके मानो हिरण्यकश्यपु परेशान हो गए। बार बार मारना चाहता है लेकिन फिर भी बच जाते हैं। मानो हाथी से कुचलवाया गया, सर्प से कसवाया गया, खौलते हुए तेल में डलवाया गया, हर जगह किया गया लेकिन हर जगह बच जाते हैं। क्योंकि सीप की चाप सकई कोई तासु बड़ रखवार नाम लेते हैं। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। वो जल गई, प्रहलाद बच्चे बोली पे राम। क्योंकि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, वैसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। और मानो प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी जो आनंद भगवान के भक्ति में है वो किसी चीज में। प्रहलाद के बातों पे क्रोधित होने लगा कि तू मुझे शिक्षा दे रहा है, पुत्र मेरा ही है। कहने लगे, झूठ बहुत है दुनिया में पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। फूट बहुत है दुनिया में पर भाई जैसी फूट नहीं। फूट बहुत है दुनिया में पर चित्रकूट सम कूट नहीं। और फूट बहुत है दुनिया में पर हनुमान जैसा फूट नहीं। सूट बहुत है दुनिया में पर धोती तत्सम कोई सूट नहीं। लूट बहुत है दुनिया में पर राम नाम सम लूट नहीं। और भैया यह सुन के तो जो हिरण्यकश्यपु के सिपाही थे सब नाचने लगे प्रहलाद जी के साथ। और भैया अधिकारी भी नाचने लगे, कुछ देर के लिए वो भी नाचने लगा यह सुन करके। अब तब तक उसे क्रोध आया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इसी में बह जा रहा हूँ।
सबको डांटा, क्या कर रहे हो। और आज मानो खंभे में बंधवा दिया, कहाँ है तेरा भगवान, इस खंभे में है। और मानो खंभे में मुष्टिका प्रहार किया है, कुछ नहीं हुआ, दोबारा प्रहार किया, दोबारा मारने गया। अब आज प्रहलाद जी मानो बुलाने लगे कि प्रभु आओ और हमें मत बचाओ, लेकिन अपने नाम की इज्जत बचा लो, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के लोग कहेंगे कि वो पत्थर का भगवान हृदय पिघला नहीं। और आज मान भगवान से प्रार्थना किए है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा गोपाल सवरिया मेरे। प्रलय आ जाएगा, प्रहलाद जी गए भगवान के चरणों में।
ब्रह्मा दया सुरगुणा मुनयो सकता हूँ। भगवान कहने लगे कि भक्त प्रहलाद, तुझे बुलाने में देरी नहीं हुई, मेरे आने में देरी हुई, मुझे क्षमा कर दो। अरे सुत, आखिर तुम क्या चाहते हो? भगवान ने कहा, जिस खानदान में, जिस कुल में तेरे जैसा पुत्र पैदा हो, उस कुल की दुर्गति नहीं हो सकती। और आज क्या चाहिए तुझे? प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इस समय मुझे आपकी दृढ़ भक्ति और प्रीति मिल रही है, आपके सच्चिदानंद स्वभाव से एकाकार हो रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने कहा, प्रहलाद मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी कृति हर लोक में फैलेगी, और तू, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे परिवार में, खानदान में, कुल में कभी किसी को जान से नहीं मारूंगा। और आज प्रहलाद भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं। भगवान की गोदी जिसको मिल जाए, उसे सारी संपत्ति मिल गई प्यारे, तो जानते हो कौन होता है? वो दत्तक पुत्र हो जाता है। जो भगवान की गोदी में बैठ गया, वो दत्तक पुत्र गोद लिया बच्चा हो जाता है। प्रहलाद प्रथम बालक है जो भगवान की गोदी में बैठा हुआ, उस पर उसी का आधिपत्य हो जाता है। भारतीय कानून के अनुसार दत्तक प्रहलाद ने भगवान को प्रणाम किया, और आज भगवान हृदय से लगा लिए। और भगवान ने कहा, जा प्रहलाद, तेरी किस पीढ़ी तर गई, तेरे जैसे पुत्र को पा करके हिरण्यकश्यप धन्य हो गया। अब तुम अपने पिता का क्रिया कर्म करो, राज सिंहासन पर आसीन होकर के इस मन्वंतर की समाप्ति तक खूब ऐश्वर्य का भोग भोगो, अंत में तुम मेरे धाम को आ जाओगे। भगवान प्रहलाद पे आशीर्वाद दे करके यश कृति बढ़ा करके चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण भगवान की। अब उसके आगे अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। यहाँ गज और ग्राह की कथा सुनाई। परीक्षक ने कहा, गुरुदेव गज ग्राह का युद्ध क्यों हुआ था? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, हाथी एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट, तीन कूट का पर्वत है, समुद्र से घिरा हुआ है, और बड़ा ही सुंदर इसमें सरोवर है, इसके जल बड़े सुंदर सुस्वादित हैं। गज को प्यास लगी और पानी पीने के बहाने पूरे परिवार के साथ वहां गया और जा करके उस सरोवर को गंदा करने लगा। उसमें एक ग्राह रहता था, मगरमच्छ हाथी के पैर को पकड़ लिया। और महाराज जब मगरमच्छ का बल बढ़ने लगा, क्योंकि वो पानी का जीव है, अंत तो गत्वा हाथी ने क्या देखा कि सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए हैं, उसे ही तोड़ करके, और उसने भगवान के तरफ तुरंत स्मरण किया और निहारने लगा कि अब तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। और आज भगवान की स्तुति किया है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया है। ये गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से, लिखते हैं कि इसकी पुस्तक वितरण करने से या इसका पाठ करने से जो घुटनों के दर्द, पैरों के दर्द होते हैं, उसमें आराम मिलता है। हाथी ने गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया और भगवान मानो तुरंत आए। हाथी कहे धायो हरि, गज को देखी निरास, आओ चरयो वैकुंठ में की हाथी के पास। पर में आकर के ग्राह को अपने चक्र से मार दिया और गजेंद्र को सरोवर के किनारे निकाल दिया। आकाश में धुंधुभियां बजने लगी, देवगण पुष्प की वर्षा करने लगे। Thank you.
परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये हाथी और मगरमच्छ कौन थे? सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, यह ग्राह जो मगरमच्छ था वो पूर्व जन्म में हुगु नाम का भीतर जा करके देवल ऋषि के पैर पकड़ लिया, क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि दुष्ट तूने ग्राह की भांति मेरा पैर पकड़ लिया है, जा ग्राह हो जा। और आज हाथी के बोलो वृंदावन बिहारी लाल, बेटा उधर बाहर जाके बात करो, मंच से उधर जाओ, जाओ बाहर जाके सुन लो, बोलो आनंद भगवान की जय। सिनेमा थोड़ी चल रहा है, कथा चल रही है, आवाज मत दो, बात यहाँ मत करो, यथा मैं कथा बंद कर दूंगा तुम ही लोग बात कर लेते, इसलिए कोई भी काम अच्छे तरीके से करो, डिस्टर्ब हो जाता है कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बच्चे भी बड़ो बड़े भी बच्चे जैसे हो रहे हैं, कब राधे राधे। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। अंधकारत विरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन। बैठ करके तपस्या कर रहा था, एक दिन अगस्त ऋषि के आने पर या पूजा में लगा रहा, बैठा रहा, कभी भी आपके दरवाजे पे आपसे बड़े कोई पधारे, देखो भगवान से भी बड़ा गुरु होता है, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाता है, और बड़े भी सम्मानीय होते हैं। अहंकार मत करो, अहंकार टूट जाता है। और इसने अगस्त ऋषि को देख करके प्रणाम नहीं किया, अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि तुझे अभिमान हो गया है, अपने तप पे अपने पूजा पाठ पे तूने प्रणाम नहीं किया। अरे ब्राह्मण का अपमान करने वाले, तू गज के समान अविवेकी है, हाथी जैसा है, इसलिए तू गज हो। पीछे विनती करने पर कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, हे गुरुदेव आपने तो मुझे श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा हरि तेरा उद्धार करेंगे। गजेंद्र मोक्ष के बाद भगवान बोले, जो तुम्हारे हे गज, जो तुम्हारे इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे या श्रवण करेंगे उनके सारे संकट मिट जाएंगे, बुद्धि निर्मल होकर ईश्वर में भक्ति मिल जाएगी। और भैया भगवान ने सबसे पहले ग्राह को मारा, परीक्षित ने पूछा, गज को बचाए नहीं, मानो भगवान ने संकेत किया कि जो मेरा भजन तो दूर मेरे भक्त के पांव को पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूँ, हाथी मेरा भक्त है उसके पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है इसके पहले उसका मैंने उद्धार कर दिया। और तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी, हे प्रभु सबको तारो। अब भैया अब पंचम मनु श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, पंचम मनु रैवत मनु हुए, उनके यहाँ बलि बिंधावली पुत्र थे, विभु नाम से इंद्र हिरण्य रोमा आदि ऋषियों से थे। और आगे छठवें मनमंत्र की कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि छठवा मनु चाक्षस मनु हुआ था, जो स्वयं इसी में अजित नाम अवतार लेकर के भगवान कच्छप रूप में आए थे। और यहाँ पे कहने लगे परीक्षित, पूछने लगे भगवान को समुद्र मंथन कराने की आवश्यकता क्या पड़ी, अमृत निकलवाने की जरूरत क्या पड़ी? तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि यदा दुर्वास संशापात सेन्द्रालोकाश्रियोनुजः निःश्रीकाचा भवस्त्रत्यं नेसूरिज्यादय क्रियाः। हे राजा परीक्षित, हे राजन, एक समय दुर्वासा ऋषि रास्ते में देवराज इंद्र की सवारी दुर्वासा ऋषि को मिल गई, और ऋषि ने इंद्र का स्वागत एक पुष्प के माला से किया, बड़ा सुंदर माला दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में डाल रखी थी। जब इंद्र की सवारी मिली तो दुर्वासा ऋषि गले का माला निकाल करके इंद्र के गले में डाल दिए, स्वागत के लिए।
इंद्र को मद के कारण वह माला अच्छी नहीं लगी, वह निकाल करके एरावत के सिर पे डाल दी और एरावत ने उस माला को पैरों तले रौंद दिया, कुचल दिया। यह सब कृत्य दुर्वासा ऋषि ने देख लिया, क्रोधित होकर के श्राप दे दिए, घमंडी इंद्र जा तू, अपने मद का अहंकार हो गया है, बहुत बड़ा मेरे पास पद है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू श्री। अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदमों का तीर दिल पे खाया न होता, न होता जमाने में यूं घर से बेघर, जो घर दूसरों का जलाया न होता। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीभ के श्वास ले लौह भस्म हो गया। कभी कभी आपकी उपश्रृंखलता काम बिगाड़ देती है प्यारे, इसे कोई काम सोच समझ के करे। उन्होंने तो सम्मान किया लेकिन आप उसका उन्होंने श्राप दे दिया। अब जैसे पता लगा दैत्यों को कि इंद्र को श्राप लगा है श्रीहीन हो जाने का, आहा, तभी राजा बलि चढ़ाई कर दिया, मौका का तलाश कर रहा था, कहां स्वर्ग पे, और स्वर्ग का राजा राजा बलि देवता लोग परास्त हो गए। जब देवता लोग परास्त हो गए तो माँ को तो बड़ी पीड़ा होती है ना, अदिति गई दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण कश्यप ऋषि के पास गई कि मेरे पुत्र बड़े दुखी हैं, आप कोई तो उपाय करो। उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, गड़बड़ी तुम्हारे बच्चों में ही है, वो तो श्रृंखल हो गए हैं इंद्र इत्यादि, और आज स्वयं सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं कुछ नहीं लाऊं, समुद्र में सारी वस्तु डालेंगे, समुद्र मंथन होगा, उससे 14 रतन निकलेंगे, अमृत निकलेगा, हम सब अमृत तुम लोगों को पिला देंगे, तुम लोग अमर हो जाओगे और देवता मारे जाएंगे, क्योंकि कभी कभी समय पे संधि कर लेना चाहिए। और बात समझ में आई, सारे देवता इंद्र इत्यादि राजा बलि के पास गए, राजा बलि ने स्वीकार किया कि जो समुद्र से अमृत निकलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। अब ये समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी, भगवान ने संकेत किया बासुकी नाग को नेति बनाना रस्सी, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना, और ऐसे ऐसे करो। देवताओं ने ऐसा ही किया, देवता राक्षस मंदराचल पर्वत उठाने गए, कितने दैत्य राक्षस वहीं मर गए, फिर भी पर्वत नहीं उठा, भगवान स्वयं गरुड़ पे सवार होकर के पर्वत को उठा करके लेके आए और समुद्र में डाल दिए। कहो जय श्री कृष्ण, कहो राधे राधे। और फिर भी पर्वत नीचे जाने लगा तो भगवान उसी समय कछुए का रूप धारण कर लिए, बोलो कश्यप भगवान। कछुआ का पीठ बहुत मजबूत होता है, उसी के भगवान के पीठ में खुजली हो रही थी, इसलिए बड़ा सा पर्वत रख दिया गया और समुद्र मंथन प्रारंभ होने लगा। भगवान ने पहले ही संकेत किया था कि ऐ देवताओं, पहले ही तुम लोग बांस की नाग के मुख पे लग जाना। देवताओं ने कहा कि अगर जहर निकलेगा बांस की नाग के मुख से तो हम सब मारे जाएंगे। भगवान ने संकेत किया, नहीं बच जाओगे, अगर पहले तुम लोग पूंछ पे लग गए तो फिर मारे जाओगे, क्योंकि देवता तुम्हारे विपरीत कार्य करते हैं। और आज देवता आकर के सर्प के मुख पे लग गए, राक्षस पूंछ पे लग गए। राक्षसों ने सोचा कि भैया ये पूंछ तो अशुद्ध है और मुख शुद्ध है, कहने लगे हम नहीं लगेंगे पूंछ पे, हम तो मुंह पे जाएंगे, चलो देवताओं जराओ चालाकी कर रहे हो। देवताओं ने कहा काम बन गया, अगर भगवान की युक्ति नहीं माने होते तो आज उल्टा ही होता। और आ गए, जैसे समुद्र मंथन शुरू हुआ, भैया जितना विष निकला सर्प के मुख से उसमें कितने राक्षस मारे गए, और भैया फिर मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला, विष को पीने वाला कौन है, कोई नहीं, सीधे देवाधिदेव महादेव के पास प्रार्थना किए, हाँ रक्षा करो, भूत भावन आपके शरण में आए हैं। त्रिलोकीनाथ ने उस विष को पी लिया, जब जहर पीने लगे विष पीने लगे तो याद आ गई कि मेरे अंदर तो मेरे प्रभु राम बैठे हैं,
वो झुलस जाएंगे, उन्हें पीड़ा होगी। अगर बाहर फेंकता हूं तो सृष्टि विध्वंस हो जाएगा। क्या किया जाए? तो उन्होंने क्या किया, कंठ में ही स्थापित कर दिया। कंठ हो गया नीला, भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। जो नीलकंठ महादेव आपके हरिद्वार इसी के स्नेह को है। देखो बड़ा सुंदर किसी संत ने व्याख्या किया कि अंदर से निकले राम अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। भगवान तो सदैव अपने भक्त की रक्षा करते हैं, तुम्हें भरोसा हो या ना हो वो रक्षा सदैव करते हैं। जब भगवान शंकर ने जहर पिया तो जहर नीचे आने लगा और अंदर से भगवान राम ऊपर आने लगे, तो धक्का देने लगे, अप डाउन विष और राम, विष और राम। तो इसलिए भगवान राम ने कंठ में कर दिया विष को विश्राम। उधर विष नीचे से निकले राम, शब्द बना यहाँ पे विश्राम शब्द, कंठ में विश्राम कर दिया। अब भैया अब तो जिन्हों ने जहर पी लिया उन्हें क्या कहा गया, देवाधिदेव, देवों के देव महादेव। लेकिन जिसने अमृत पिया वो सीधे रह गए देव। अब फिर हलाहल महाराज विष के बाद फिर मंथन शुरू हुआ, सुंदर काम धेनु गाय निकली वो ऋषियों को दे दी गई। ब्राह्मणों, ऋषि कौन है, ब्राह्मण, कोई भी वस्तु पहले प्रयोग करो तो मंदिर में या ब्राह्मण को दे देना चाहिए। खाने पीने की वस्तु जो है, पहले हमारे यहाँ एक परंपरा भी थी, अनाज लाते थे खेत से तो पहले ब्राह्मण को भेजते थे, गुरु को दे देते थे। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने ले ली। लक्ष्मी जी ने अपना पीत वरण करने में सभी में कोई ना कोई दोष देखी। लक्ष्मी जी आई समुद्र मंथन से, दुर्वासा ऋषि के सामने जाती हैं, इनसे मैं विवाह करूं, नहीं नहीं बड़े क्रोधी हैं ये, कहीं किसी दिन क्रोध आया मुझे श्राप दे दिए तो मैं तो गई, इसलिए वहां से वापस हो गई। शुक्राचार्य के पास जाती हैं, गुरु बृहस्पति ये ज्ञान बहुत है परम आसक्ति विशेष है, ब्रह्मा चंद्रमा बड़े हैं सुंदर भी बहुत है लेकिन काम जयी नहीं है। और परशुराम जी बड़े अच्छे हैं, प्रतापी हैं, लेकिन धर्म तो है लेकिन हिंसा है इनके अंदर, तुरंत गला काट देते हैं, अहिंसा नहीं है। सनकादि समाधि में रहते हैं, शंकर जी जगदीश हैं परंतु इंद्रियों का दमन का अभाव है, सब सोच विचार करके सोचने लगी कि हमारे लायक कौन है। उसी बीच में नारायण थे और नारायण के गले में उन्होंने माला डाल दी, लक्ष्मी जी हो गई नारायण की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान। उसके बाद बारहवीं मदिरा निकला, उसे दानवों ने ले लिया, घटाघट पीने लगे। अब जो लोग मदिरा पीते हैं वो कौन होते हैं सोच लो, कदो राधे का। देवताओं ने नहीं लिया मदिरा को, किसने लिया, दैत्यों ने। तो जो पीते हैं उन्हें, ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ भागवत कर रहा, देवताओं ने नहीं लिया। उसके बाद भैया शंख निकला, चंद्रमा निकले, धनुष निकला, पारिजात पुष्प निकले, और उसके बाद चौदहवें में धन्वंतरी जी महाराज आए जो भगवान के अवतार हैं, आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए, उन्हीं के हाथों में सुंदर अमृत का कलश था। जैसे कलश लेकर के आए अमृत, श्री रंभा विश्वारुणी अमय शंख गजराज, धनुष कल्प तरु वैद्य मरि कामधेनु ससुराज। मरि निकली, पद्मपराग पारिजात वृक्ष निकला, सब लेते गए। जैसे अमृत कलश आया तुरंत इंद्र का पुत्र जयंत आया और झपाटा मार के लेके फरार हो गया। अब तो देवता और अरे ले गया ले गया ले गया। अब रक्षा करने के लिए देव गुरु बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा